chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. हेलो फ्रेंड्स, तो वी आर ट्रेवलिंग टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड जो कि शिलारू में है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जा रहे थे शिलारू के हॉकी ग्राउंड की तरफ। तो शिलारू जाते जाते जैसे आपने वीडियो में देखा होगा कि हम बिना हेलमेट के जा रहे थे, तो अभी अभी हमारा चलान हो गया है और अब गलती एक्सेप्ट करता हूँ मैं कि बिना हेलमेट के चलना एक तो हमारे लिए भी अनसेफ है, क्योंकि थोड़ा भी कहीं एक्सीडेंट हो जाए, जान जा सकती है और चलान भी लगेगा, तो हेलमेट ज़रूर पहने। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिलारू जो हमारी मंजिल थी, और आपको मैं व्यू दिखाता हूं यहां से हॉकी ग्राउंड का। तो फ्रेंड्स, ये है नज़ारा वर्ल्ड्स हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड का जो कि शिलारू में है। शिमला से यहां आने के लिए आपको ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, और ये हॉकी ग्राउंड के साथ साथ यहाँ पर हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर भी है, जो इंडिया के प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, ओलंपिक वगैरह में जो जाते हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए यहाँ भेजा जाता है हाई अल्टीट्यूड पर। और आप देख सकते हैं ये हॉकी ग्राउंड है वो 2010 में बनकर कंप्लीट हुआ था, उस टाइम ऑलमोस्ट इसका बजट था 4 करोड़ रुपए। तो नेताजी सुभाष हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर भी इसका नाम है। तो फ्रेंड्स, अब हम वापस जा रहे हैं शिमला को, और फिर से हेलमेट नहीं है, फिर से चलान होगा, क्या करे, देना पड़ेगा, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचे हैं मत्याना, और आपको ऊपर जो दिख रहा है ये है वॉलीबॉल हॉस्टल बॉयज। तो फ्रेंड्स, ये है राम पर्वत जैसा कि आप देख पा रहे होंगे।